नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की आवाज न्यूज इंडिया। अधिकारी करा रहे थे नवयुक्ति नायब तहसीलदारों का सम्मान, वहीं किसानों ने फूंक दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला। जी हां, हम बता रहे हैं होशंगाबाद जिले के तहसील सिवनी मालवा की, जहां राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के द्वारा किसानों की समस्याओं को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत शनिवार को पूरा प्रशासन तहसील कार्यालय में नवयुक्ति नायब तहसीलदारों का बाजे गाजे के साथ स्वागत कर रहा था। वहीं तहसील के गेट के सामने ही राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के कार्यकर्ताओं एवं किसानों के द्वारा सम्मिलित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वित्त मंत्री अरुण जेटली का पुतला जलाया। नरेंद्र मोदी किसान विरोधी के नारे लगाए गए। वहीं इस अवसर पर पुलिस प्रशासन के नुमाइंदे अपने अपने कार्यों में ही मशगूल नजर आए। किसानों का कहना था कि नरेंद्र मोदी ने किसानों के साथ छलावा किया है, महज 6,000 रुपये देने की घोषणा की है बजट में, जिसे एक आदमी का भी जीवन यापन होना मुश्किल है, और उन्होंने किसानों के परिवार का ही पालन पोषण में 6,000 रुपये में होने का अनुमान लगा लिया, जो कि किसानों के साथ छलावा है। इस अवसर पर भारी संख्या में महासंघ के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी मौजूद थे। सिवनी मालवा से प्रमोद पटेल की खास रिपोर्ट। अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुतला जलाया है, उन्होंने किसानों के साथ छलावा किया है। केंद्र का जो बजट आया है 6,000 रुपये का, एक 13 रुपये 43 पैसा प्रति दिन एक किसान को, जो बच्चों की टॉपी भी नहीं आती है। मोदी जी अभी ये चाहते हैं कि 6,000 रुपये देने से किसानों का भला हो जाएगा, तो स्थायी समस्या का हल नहीं है। जैसा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आती है, और 2014 का उनका जो चुनावी घोषणा पत्र था, उन्होंने जो वादा किए थे किसानों के साथ कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आती है तो किसानों की संपूर्ण ऋण मुक्ति की जाएगी, फसल का लाभकारी मूल्य दिया जाएगा, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की सफर लागू की जाएगी, परंतु ऐसा एक ही बात है उनके पूरे नहीं हुए, उसके विरोध में आज किसानों ने पुतला जलाया है।